गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साहिल गोयल एंड वी आर वाचिंग साहिल गोयल ब्लॉग्स। सो गाइस, आज का जो मेरा दिन है वो पूरा बंक गया है। मतलब बंक इन द सेंस, मतलब मेरी छुट्टी थी आज मैंने छुट्टी करी थी क्योंकि आज बारिश भी पड़ रही थी, प्लस मेरे फ्रेंड्स भी कॉलेज नहीं गए थे तो सोचा मैं भी नहीं जाऊँ। बट आज मेरा दिन जो है पूरा वेस्ट गया है। क्यों? क्योंकि मैं पूरे दिन बस सोया हूँ और मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस थोड़ी देर मैं पढ़ा हूँ, मैक्सिमम 2 आवर्स आई हैव स्टडीड। बट हाँ गाइज, आपसे एक चीज़ और कहनी थी। गाइज प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आगे अपने और नए नए ब्लॉग्स बना सकूँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना सकूँ। और मुझे आप बताइए कि मैं और किस चीज़ पर ब्लॉग्स बना सकता हूँ अपने। गाइज हाँ, आज मैंने एक नया वर्ड सीखा अपने कॉलेज में जिसका नाम है हेमाटोमा। मतलब आज ही नहीं सीखा, अपनी यस्टरडे वाली क्लास में सीखा मैंने कि आज हेमाटोमा क्या होता है। हेमाटोमा जब आप एक कंडीशन होती है, जब भी जब ब्लड सैंपलर होता है, जो आपका ब्लड सैंपल लेने आता है, उसमें जब वो आपका खून इजेक्ट करता है इंजेक्शन में, तो उस टाइम पे वो आपको एक कॉटन स्वैब देता है, उसमें इथेनॉल लगा होता है। जब भी वो आपको कहता है कि इसे होल्ड करके रखिएगा 5 मिनट्स तक, जिससे कि आपको कोई लीकेज ना हो जाए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसे जस्ट फेंक देते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं लगाते, वो कहते हैं कुछ नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसमें लीकेज हो जाती है, और लीकेज होने की वजह से क्या होता है, वहाँ एरिया नील पड़ जाता है। तो गाइस उसी चीज़ को हम हेमाटोमा कहते हैं। हेमाटोमा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेमाटोमा से जनरली 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, या फिर 1 हफ्ता लगता है हेमाटोमा सही होने में। सो गाइस यही चीज़ होती है हेमाटोमा। एंड आज गाइस आप देख रहे हैं कि आज बारिश हो रही है अच्छे से। आज मौसम भी अच्छा हो रहा है और मैं भी यहीं पे जस्ट पीछे बैठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि रूम में लाइट नहीं आ रही है, सिर्फ इन्वर्टर चल रहा है, तो इन्वर्टर से आज पंखा भी बंद है। बट हाँ, आज मौसम ठंडा हो रहा है तो आज गाइस मैं पीछे ही बैठा हुआ हूँ आज अपनी कॉपीज़ वगैरह लेके। सो गाइस आज प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड गाइस प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं और कैसे ब्लॉग बना सकता हूँ और कैसे अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकता हूँ, कि आपको पसंद आए, और मैं कैसे अपना वीडियोस को और भी ज़्यादा इनहेंस कर सकता हूँ या फिर लाइकेबल बना सकता हूँ, जिससे कि और भी ज़्यादा लोग देखें। एंड गाइस ऐसे मेडिकल थॉट्स और मेडिकल वर्ड्स जानने के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। So guys, this is all about for today's vlog, and tab tak ke liye tata, goodbye, jai hind।